आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो में ना केवल हम 8th क्लास की NCERT कवर करेंगे, बल्कि मैं आपको एक ऐसा अप्रोच देने जा रहा हूँ जिससे आपके बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हैं। एक बहुत बड़ा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा, साथ में ऐसे होगा ऐसे कि कई सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। आप बिना किसी बुक को पढ़े हुए एक ऐसे को लिखना सीख जाएंगे और लगभग में 1.5 से 2 हज़ार वर्डों में आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं, और कौन कौन से पॉइंट होते हैं उनमें डालने चाहिए और किस अप्रोच में आपको सोचना है, इन सभी टॉपिक को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले, मैं हूँ RJ सिंह और ये अपना चैनल क्लब बाई असिस्टेंट। हम लोगों ने एक 1 ईयर का प्रोग्राम लॉन्च किया है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2021 और 2022 को। अगर आप लोग इस प्रोग्राम के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको कैसे ज्वाइन होना है, क्या करना है सारी। ओके, चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारी जो आज की NCERT है वो 8th क्लास की है, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितने चैप्टर दिए रखे हैं। इसमें 6 चैप्टर दिए रखे हैं और इसमें 75 पेजेस हैं। अगर आप लोगों ने इसे अगर 2 दिन ठीक से दिया होगा तब भी कवर कर लिया होगा, बल्कि मैंने इसको पढ़ने के लिए आपको 3 दिन दिए थे। आपने सिनॉप्सिस बना लिए होंगे, आप इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। ओके, और देखिए इसमें 75 पेजेस है, लेकिन ये जो NCERT है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया रखा है। चलिए हम लोग लेसन 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें बताया गया है रिसोर्स के बारे में, यानी कि संसाधन के बारे में। सबसे पहले हम संसाधन की जो डेफिनेशन है उसे देखते हैं कि आखिर संसाधन हम किसे कहेंगे। तो देखिए संसाधन की डेफिनेशन दी रखी है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी सटीक है। ओके, कितनी ईजी है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। ओके, तो संसाधन किसे है, जो हमारी नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनकी उन्हें फुलफिल करने के लिए हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सब क्या है, हमारे लिए संसाधन है, हमारे लिए रिसोर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर एक की पॉइंट क्या आया है दोस्तों, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं। ओके, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, जो भी वस्तु जिसका हम उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जैसे उस समय की अगर हम बात करें तो जो लोहा अयस्क था दोस्तों, लोहो एक्स से हमने लोहा निकालना जब तक नहीं सीखा वो हमारे लिए रिसोर्स यानी कि संसाधन नहीं था। जब हमने इस रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल था लोहा एक्स था, इससे हमने लोहा निकालना सीख लिया तब ये हमारे लिए एक संसाधन बन गया। ओके, जैसे कोयला है, कोयला जब तक ज़मीन के अंदर था, जब हम उसके बारे में नहीं जानते थे, हम उसका उपयोग नहीं करते थे, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था। लेकिन हम उस ज़मीन से जब हमने कोयला निकाला और उसका उपयोग करना सीख लिया तब वो हमारे लिए संसाधन बना जा करके। ओके, तो यानी कि जिसका हम उपयोग करते हैं वही हमारे लिए संसाधन है और संसाधन नहीं है। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है जो अभी मैंने आपको बताई है कि इसमें देखिए कितने अच्छे से समझाए कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और जो बुक्स हैं इन सभी में क्या सेम है, तो इन सभी का उपयोग आप लोग करते हैं। ओके, तो इसमें यही बताया गया इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, यानी कि जिनका उपयोग किया जाता है वही आपके लिए संसाधन है, यानी कि उनकी उपयोगिता है, जो उनकी उपयोगिता है वही उसको संसाधन बनाती है। ओके, अब राजू के मन में आता है ये क्वेश्चन कि आखिर कोई भी वस्तु होती है वो संसाधन कैसे बनती है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है, तो अम्मा यानी कि जो यहाँ पर दादी जी हैं उन्हें यहाँ पर अम्मा बताया गया है। ओके, तो अम्मा अपने बच्चों को बताती हैं कि समय के साथ संसाधन बनते हैं। ओके, जो वस्तुएं होती हैं वो उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया कि मूल्य, उनका एक मूल्य होता है, तो मूल्य का तात्पर्य क्या है, आप यहाँ पर मूल्य का तात्पर्य प्राइस से बिल्कुल ना लगाइए। अब देखिए यहाँ पर जो मूल्य है इसके 2 मतलब होते हैं, एक होता है प्राइस, ओके, और दूसरा मूल्य का मतलब होता है वैल्यू। तो जो यहाँ पर मूल्य का मतलब है वो वैल्यू से है, ना कि प्राइस से, यानी कि जो सभी संसाधन होते हैं उनका ज़रूरी नहीं उनका एक प्राइस हो, उन सभी का वैल्यू तो होगा लेकिन कुछ संसाधन होते हैं जिनका अपना मूल्य भी होता है। जैसे कि अगर आप कहीं सेब जाते हैं, सेब खरीदें, तो आप सेब को खरीद सकते हैं, उनका एक प्राइस होता है, लेकिन जैसे जो आपका ज्ञान है, ओके, जो आपकी नॉलेज है उसका कोई भी मूल्य नहीं है। जैसे कि अगर आपकी जो दादी हैं या माँ हैं वो अगर किसी भी अचार को बनाती हैं, खाने को बनाती हैं और उसको आपको खिलाती हैं, तो उसका कोई मूल्य नहीं क्योंकि आप उसे पे नहीं करते हैं। ओके, तो उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो भी संसाधन है क्योंकि आप उस अचार को, उस खाने को आप उपभोग करते हैं, तो
तो वो क्या है दोस्तों, एक संसाधन है लेकिन उसका कोई प्राइस नहीं है। जैसे जो आपके दादी हैं वो आपको कहानियाँ सुनाती हैं, तो उस कहानी है वो भी एक रिसोर्स है, लेकिन उसको आप पे करते हैं कि आप अपनी दादी से या नानी से ऐसा बोलते हैं कि नानी कहती है कि आप हमें 1,000 रुपये दीजिए तभी हम ये वाली आपको स्टोरी सुनाएंगे, नहीं ना। लेकिन अगर आप उसी स्टोरी पर कोई कार्टून बना देते हैं या उस स्टोरी को आप किसी भी ऑडियो के रूप में बना करके उसे आप मार्केट में पब्लिश कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, उसका एक प्राइस हो सकता है, ओके। लेकिन जब दादी सुनाती हैं तब उस वक्त उसका कोई भी प्राइस नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जो संसाधन होते हैं सभी संसाधनों का एक अपना वैल्यू होता है, लेकिन सभी संसाधनों का प्राइस हो ये ज़रूरी नहीं है, ओके। तो कुछ संसाधनों का अपना प्राइस हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं सभी संसाधनों का अपना एक प्राइस हो। अब देखिए यहाँ पर पेटेंट के बारे में बताया गया है, हम इसको भी देख लेते हैं कि पेटेंट किसे कहते हैं। अब इसमें पेटेंट के बारे में बताया गया है कि इसका तात्पर्य होता है किसी विचार या आविष्कार, ओके। किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार यानी कि एकाधिकार, इसी को पेटेंट कहते हैं। यानी कि इसका तात्पर्य है कि अगर किसी भी वस्तु पर किसी की मोनोपोली है तो उसको पेटेंट कहेंगे। अब देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अभी कोरोना वायरस दोस्तों चल रहा है। अब इस कोरोना वायरस की वैक्सीन जो भी यानी कि दवाई सबसे पहले बना लेगा और जिस प्रोसेस से बनाएगा उस प्रोसेस पर उसका पेटेंट हो जाएगा। और जो दवाइयों पर पेटेंट होता है वो प्रोसेस पे होता है ना कि इंग्रेडिएंट्स पे होता है, यानी कि जो तत्वों का वो लोग यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ और कोई कर सकता है, लेकिन जिस प्रोसेस से अगर वो दवाई बना रहे हैं उस प्रोसेस का यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो दवाइयों पर जो पेटेंट दिया जाता है वो प्रोसेस पे दिया जाता है, क्योंकि हमें जेनरिक दवाइयाँ भी बनानी होती हैं जिससे गरीब लोगों पर भी उसकी पहुँच हो सके, ओके। इसलिए दवाइयों के साथ में एक अलग कंडीशन अपनाई जाती है। आप देखिए जिस पर इस वैक्सीन का एकाधिकार होगा, पेटेंट होगा जिसके पास, उसकी अनुमति के बिना कोई भी इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। अगर कोई इसका प्रोडक्शन करना चाहता है और बेचना चाहता है तो पहले उसे जो भी इसका ऑनर होगा उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, ओके। तो इसी को पेटेंट कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या दिया रखा है। अब देखिए इसमें अब आगे दिया रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, तो किसी कौशल को करने, ओके, किसी कौशल को करने या वस्तु निर्माण में नवीनतम ज्ञान। ये देखिए यहाँ पर एक विशेष बात क्या है, नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो सबसे पहले हम कपड़े का जो बनाते थे वो किस तरह से बनाते थे, पहले हम हाथ से बनाते थे, ओके। फिर हमने उसके बाद चरखे का यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने पावर लूम का यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने अब फैक्ट्री स्थापित की। अब जो फैक्ट्रियां हैं उसमें और भी एडवांस हैं जो ऑटोमेशन पे आधारित हैं, जिसमें बहुत से कम जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है, अब सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, पहले हमने हाथ के द्वारा वस्त्र का उत्पादन किया, फिर उसमें और नवीनतम ज्ञान का यूज़ किया, तो हमने चरखी के द्वारा कपड़े का उत्पादन करने लगे, फिर उसके बाद हमने पावर लूम का यूज़ किया जिससे जो कपड़ा उद्योग है उसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा नवीनतम ज्ञान का उपयोग किया, फिर उसके बाद आज हम ऑटोमेशन के द्वारा कपड़ा उद्योग यानी कि कपड़े का निर्माण करते हैं। तो इसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं, जो समय के साथ हम उसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, नवीन ज्ञान का उपयोग करते जा रहे हैं, ओके। तो प्रौद्योगिकी है, ज़रूरी नहीं जो आज प्रौद्योगिकी है और वो उससे आगे कुछ नहीं हो सकते, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है वो हमेशा निरंतर चलती रहती है। आप देख सकते हैं जो चरखा उस टाइम था वो भी एक टेक्नोलॉजी थी, फिर उसके बाद जो हमने पावर लूम का निर्माण किया वो भी एक टेक्नोलॉजी थी, फिर उसके बाद हमने जो मिल फैक्ट्रियों की स्थापना की वो भी एक टेक्नोलॉजी थी, और आज हम ऑटोमेशन के द्वारा कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी है। हो सकता है इसके बाद और कोई टेक्नोलॉजी आए, तो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, ये समय के साथ पुरानी होती जाती है और नवीन ज्ञान आता जाता है, ओके। इसी तरह इसमें बताया गया जो समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसे कारक हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि जो कूड़ा होता है ये हो सकता है हमारे लिए अभी संसाधन ना हो अगर हम इसका यूज़ ना करें, लेकिन हम इसी कूड़े को रिसाइकिल करें और इससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। इस कूड़े का उपयोग हम अन्य कार्यों के लिए, जैसे कि हम इससे विद्युत का उत्पादन या फिर हम बायोगैस का उत्पादन करें, तो ये हमारे लिए संसाधन में परिवर्तित हो जाएगा। और इसे संसाधन में परिवर्तित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, ओके। तो यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकती है। और इसमें बताया गया कि जो
दोस्तों लोग हैं वो भी एक संसाधन है, ओके। लोग जो स्वयं भी एक संसाधन है, यानी कि जहाँ पर लोग होंगे वहाँ पर ही हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, अन्य ग्रह हैं उन पर भी यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन वो संसाधन नहीं है क्योंकि हम अभी वर्तमान में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहाँ जाकर के यूरेनियम का खनन करके वहाँ से ला सकें, इसीलिए वो यूरेनियम जो हमारे लिए संसाधन नहीं है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया संसाधन के प्रकारों के बारे में, यानी कि जो रिसोर्स हैं उनके टाइप्स के बारे में। अगर हम संसाधनों का वर्गीकरण करें तो हम मुख्यतः इन्हें तीन भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो एक प्राकृतिक हुआ, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव, यानी कि मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ओके। क्योंकि मानव के बिना जो संसाधन है वो संसाधन बन ही नहीं सकता, क्योंकि मानव जब उसका उपयोग करते हैं तभी वो संसाधन बनता है, ओके। तो सबसे फर्स्ट वाला हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन है तो अगर हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखें कि प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहेंगे, तो हम उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहेंगे जिनका उपयोग हम बिना संशोधन या कम से कम संशोधन करके हम जिनका उपयोग करने लगते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि वायु, जो एटमॉस्फेयर में वायु है हम उनका डायरेक्ट हम उसका उपभोग कर लेते हैं ना, तो वो किस तरह का संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधन है। इसी तरह जो नदियों झीलों में जल है, मृदा हो गई, खनिज हो गए, ये सभी हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं और इन्हें निःशुल्क उपहार के नाम से भी जाना जाता है, ओके। चलिए हम अब जो प्राकृतिक संसाधन है इनका वर्गीकरण कर सकते हैं कई भागों में, जैसे कि विकास और इनके उपयोग के स्तर पर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन है तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं विकास और उपभोग के आधार पर। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको जो हम मेरा शॉर्ट नोट्स है उसके थ्रू भी आपको दिखाऊंगा, फिर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पूरी एनसीईआरटी मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही भी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। थोड़े से चार पांच चैप्टर हैं जो मैं अभी इस एनसीईआरटी से कवर करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट से पढ़ाऊँगा जिससे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के थ्रू हमें कैसे रिवाइज़ करना होता है, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो विकास और उपभोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक वास्तविक संसाधन, दूसरा संभाव्य संसाधन। अगर हम वास्तविक संसाधनों की बात करें तो वो ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे होते हैं, ओके, और इनका जो भंडार है और इनका जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिनका हम उपयोग कर रहे हैं उन्हें वास्तविक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। और संभाव्य संसाधन ऐसे होते हैं जिनका हम इन फ्यूचर में हम उपयोग कर सकते हैं और इनका जो लोकेशन होता है और इनकी जो मात्रा होती है वो सटीक हमें पता नहीं होती है, लेकिन हमें इतना पता होता है इसको हम भविष्य में यूज कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे भारत के पास बहुत लंबी तटीय रेखा है, ओके, तो भारत के पास इतनी लंबी तटीय रेखा है तो उसके पास जो ज्वारीय ऊर्जा है उसकी असीमित संभावनाएँ हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कर सकें, तो वो किस तरह की हमारे लिए संसाधन है, वो हमारे लिए संभाव्य संसाधन है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए क्या दिया रखा है। अब इसमें नेक्स्ट दिया रखा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जो प्राकृतिक संसाधन है उसे उत्पत्ति के आधार पर भी दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक होता है जैविक, दूसरा अजैविक, ओके। अजैविक मतलब जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि जो चट्टाने हो गई, मृदा हो गई, खनिज, ये सभी अजैविक संसाधन हैं। और जैविक संसाधनों में हम जीव जंतु और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको रखते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिया रखा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है अगर हम इसको विस्तृत रूप में अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो इसे हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांट करके देख सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन हम किसे कहते हैं, जिनका सतत प्रवाह होता रहता है, यानी कि जो जल्दी नष्ट नहीं होते और इनका पुनर्भरण जो रिसाइकिल होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, ओके। तो इस तरह के संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा होती है, हम इसका कितना भी उपयोग कर ले ये खत्म नहीं होने वाली, जैसे दिन होगा तो हमें सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और पवन भी निरंतर चलती रहती है, ओके। तो ऐसे संसाधन होते हैं जो सतत रूप से स्वतंत्र प्रवाह रूप से चलते रहते हैं, ओके। तो इस तरह के संसाधन होते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें बहुत कम समय लगता है अपना दोबारा से जो उनका भंडार होता है उसे करने में, जैसे कि जो जल होता है, मृदा होती है और वन होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी वन को काट देते हैं तो 20 से 25 साल में वो फिर से वन बन जाएगा, ओके, फिर से वो पेड़ उतने बड़े हो जाएंगे, तो बहुत ही कम समय लेते हैं अपने आप को रिक्रिएट करने में। लेकिन जो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जल है वो नवीकरणीय संसाधन में आता है, लेकिन अगर हम इसका लापरवाही से यूज़ करेंगे
तो इसकी कमी होने लगी, क्योंकि किसी भी भंडार को पुनः भरने के लिए उसको एक समय लगता है, ओके, उसकी एक निश्चित दर होती है। अगर हम उस दर से ज़्यादा अगर उसका यूज़ करने लगेंगे तो जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है कि जिस दर से जल का पुनर्भरण होता है उसकी दर से हम ज़्यादा उसका उपयोग करने लगे हैं, इसलिए जल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। ओके, अब इसी तरह हम देख सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जो नवीकरणीय नहीं होते हैं, या फिर इनके जो पुनः पूर्ति में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि हज़ारों साल लगता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होती है। इस तरह के संसाधन होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे संसाधनों को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। अगर हम देखें तो जो संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन, तो उन्हें हम वितरण के आधार पर भी देख सकते हैं। तो वितरण के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक सर्वव्यापक होते हैं, दूसरे स्थानिक होते हैं। सर्वव्यापक की अगर बात करें कि ऐसे संसाधन जो हर जगह सुलभ रूप से उपलब्ध हो, जैसे कि आप देख सकते हैं वायु, वायु आपको हर जगह सुलभ रूप से उपलब्ध हो जाती है, आप कहीं भी चले जाइए। और स्थानिक होते हैं, जैसे आपको कहीं पर कोयला चाहिए तो कोयला हर जगह नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं जैसे कि हमारा जो पठार है दोस्तों, जहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ है, उधरी कोयला आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, हर जगह आपको कोयला नहीं मिलेगा। इसी तरह जो और भी अयस्क होते हैं वो भी हर जगह नहीं पाए जाते हैं। आपको अगर पेट्रोलियम कहीं लेना है तो आपको जैसे कि कुछ निश्चित जगह है, जैसे कि आपको अरब देश है उनमें ज़्यादा पेट्रोलियम मिलेगा, हर जगह आप वहाँ पर गड्ढा खोद के आप पेट्रोलियम को नहीं निकाल सकते। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं उन्हें स्थानिक संसाधनों को कहते हैं, ओके, स्थानिक संसाधन कहते हैं उन्हें। और इसमें बताया गया जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण होता है उसमें भूभाग, जलवायु और ऊंचाई, ये सभी कारक होते हैं। ये इन पर निर्भर करता है कि वहाँ पर किस तरह के संसाधन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है, मानव निर्मित संसाधनों की। ओके, अब मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं वो सभी संसाधन मानव निर्मित होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी इमारत देखते हैं, जैसे कि आप कोई भी बस देखते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान, कुछ भी आप देखते हैं, मेज, कुर्सी, बेड, जो भी मानव के द्वारा बनाया जाता है वो सभी संसाधन मानव निर्मित होते हैं। ओके, और मानव स्वयं में भी एक संसाधन है। अगर हमें मानव को और ज़्यादा दक्ष बनाना है तो हम उसे उच्च शिक्षा, कौशल और साथ में स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी पड़ेंगी, जिससे हम मानव को एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, संसाधनों का संरक्षण, यानी कि जो रिसोर्स के कंजर्वेशन की बात की जा रही है। अगर हम रिसोर्स के कंजर्वेशन की बात करें तो संसाधनों का संरक्षण, जैसे ही आप सुनते होंगे आपके दिमाग में एक आता होगा कि हम अगर हम किसी भी संसाधन के संरक्षण की बात कर रहे हैं तो यानी कि उसका हम यूज़ करना बंद कर दें। ओके, तो आप लोगों की विशेष बात ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी संसाधन के संरक्षण की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम उसका यूज़ करना बंद कर दें, बल्कि हम उस संसाधन का यूज़ करेंगे। बल्कि हम उसका संसाधन का यूज़ कैसे करेंगे? उस संसाधन का यूज हम सतर्कता पूर्वक करेंगे। ओके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर हम जो विद्युत ऊर्जा है उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं तो इसको क्या करना होगा? जैसे कि अगर आपके घर में है विद्युत ऊर्जा आती है, ओके, तो आपके घर में बहुत सारे उपकरण लगे हुए होंगे, तो अगर आप बाहर जाते हैं या फिर जब उनका यूज़ नहीं करते हैं तो उन्हें आप बंद कर सकते हैं। ओके, जैसे फ़ैन चल रहा है, लाइट चल रही, तो आप उन्हें बंद कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? जो ऊर्जा होगी उसकी बचत होगी। साथ में अगर आपके घर में ऐसे उपकरण यूज़ किए जा रहे हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, जैसे अगर एक एग्जांपल दूं तो जो ट्रेडिशनल बल्ब है वो 100 वाट का अगर बल्ब लगाएंगे तो आप एक रूम में रोशनी ले सकते हैं, लेकिन आप इसकी जगह पर जो LED बल्ब आते हैं ये ऊर्जा दक्ष हैं। ओके, ये कैसे, जो भी उपकरण है ये ऊर्जा दक्ष उपकरण है, इससे क्या कर सकते हैं आप 10 वाट जो एनर्जी है, तो आप इसी 10 वाट से उस रूम में आप प्रकाश ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो 90 वाट है दोस्तों वो ऊर्जा आपकी बचत हो जाएगी। तो इसी को ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। ओके, तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब है कि हम उसका यूज़ ना करें बल्कि हम उसका यूज करें। उसका यूज कैसे करें? सतर्कता पूर्वक करें। अब देखिए यहाँ पर यही बताया गया, और इसमें एक बताया गया, अगर हम संसाधनों का, जो संसाधन होते हैं इनका यूज करें भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए। ओके, अगर हम इनका यूज़ भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए करें तो इसी को सतत पोषणीय विकास या इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये डेफिनेशन देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी संसाधन का यूज भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, यानी कि फ्यूचर की जो नीड्स हैं
उन्हें देखते हुए अगर हम उसका यूज करें तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, तो आपकी जो दो डेफिनेशन है वो यहाँ पर कवर हो गई हैं। और देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे से इसमें बताया भी गया है, जो मैंने डेफिनेशन बताई गई है मैंने बताई है वही यहाँ पर बताई गई है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि कुछ रूल हैं, उनके बारे में बताया गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सतत संपोषणीय विकास है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया गया कि इसमें कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। ओके, और जो मानवीय जीवन है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ में जो पृथ्वी है उसकी जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी कि जो ह्रास हो रहा है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कम से कम करना, और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ओके, ये कुछ रूल हैं, ये आप देख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रखा होगा तो आपको पता होने चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या दिया रखा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए रखे हैं इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें लगा करके देखिए और जो लिखने वाले हैं उनको भी लिख करके देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपने इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है और क्या स्किप कर दिया। ओके, अब देखिए जो लेसन टू है हमारा, इसमें बताया गया है कि भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव हैं, इन संसाधनों के बारे में। ओके, ये रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से इसमें जानकारी दी गई है। इसमें देखिए स्टार्टिंग में बताया गया, ये पैराग्राफ हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं कि वहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और काफ़ी बंजर है। ओके, तो वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, केवल जीवन निर्वहन के लिए थोड़ी बहुत उपजाऊ भूमि है, जैसे कि वहाँ पर मक्का उक्का मोटे अनाज कर लिए जाते हैं, जिससे केवल अपना ही पेट भरा जा सकता है, उसको बेच करके अन्य जो आय है उसे अर्जित नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें बताया जैसे कि न्यूजीलैंड है, ये दूसरी जगह है, यहाँ पर जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर जो लोग कृषि करते हैं वो काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। अब देखिए जो भूमि है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। इसमें बताया गया कि जो अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें भूमि भी शामिल है और पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30%, ये देखिए विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि 30% भाग है वो भूमि है। ओके, अब ये 30% है, यहाँ भी जनसंख्या है वो समान रूप से वितरित नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर पर्वत होते हैं वहाँ पर जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगी, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है वहाँ भी आपको कम देखने को मिलेगी, जहाँ पर जल उपलब्ध नहीं होता है वहाँ भी आपको जनसंख्या कम देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ पर जल उपलब्ध होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, साथ में जहाँ पर नदियाँ होती हैं वहाँ पर जनसंख्या पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो इसमें यही बताया गया, सेम यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए उपयुक्त होता है और वहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ें विकास हो पाती हैं। ओके, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि आर्थिक क्रियाएँ हो गई, सांस्कृतिक जो क्रियाएँ हो गई, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे कि अगर कितनी भी बंजर भूमि है, कहीं पर अगर कोई धार्मिक जुड़ाव है किसी भी स्थान से, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर जनसंख्या अपने आप बस जाती है जाकर के। इसी तरह अगर कहीं पर जाकर के उद्योग अगर स्थापित किए जाएं, जैसे कि झारखंड है, वहाँ की ज़मीन है वो काफ़ी बंजर है, लेकिन वहाँ पर इतने सारे उद्योग इंडस्ट्री आज डेवलप हो गई हैं कि वहाँ पर जनसंख्या ऑटोमेटिकली बढ़ने लगी है, वहाँ पर प्रवासी बहुत बड़ी मात्रा में पहुँचने लगे हैं। ओके, अब देखिए भूमि का उपयोग बताया गया है। अब इसमें बताया गया है कि हम भूमि का उपयोग कैसे कैसे करते हैं, जैसे कि हम भूमि का उपयोग कृषि के रूप में कर सकते हैं, वानिकी कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं, सड़क का निर्माण कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, इस तरह से हम भूमि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप लोग भी लिख सकते हैं, ये तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, आप लोग आप जितना भी लिखना चाहें, जैसे कि आप किस तरह से भूमि का उपयोग करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं, तो आप वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पर फिट कर सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, लेकिन ये अभी इसका डाटा है, ये चेंज होता रहता है, ये आपको मिलता रहेगा। ओके, अब जब हम करंट पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम इसको कवर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है जो सभी देश हैं वो कितनी भूमि का यूज़ किस लिए करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर पर दिया रखा है कि फसल के लिए कितना करते हैं, दूसरा चारागाह। ये चारागाह क्या होता है उस लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ, चारागाह वह स्थान होता है जहाँ पर पशु जाकर के चरते हैं। ओके, और इसी तरह जो वन है उसके लिए हम कितनी भूमि का उपयोग करते हैं, और अन्य उपयोगों के लिए, जैसे उन अन्य उपयोगों में क्या आता है, जैसे आवास हो गया और कोई भी उद्योग हम स्थापित करते हैं सड़कों के लिए, या फिर हम कोई भी ऐसी संरचना बनाते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं अन्य कार्यों के लिए। ओके,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो भारत को देखना पड़ेगा आपको, भारत में देखिए यहाँ पर एक विशेष बात आपको देखने को मिलेगी, जो भारत है वो 57% जो भूमि है वो कृषि कार्यों के लिए यूज़ करता है, ओके। और अन्य देश हैं आप देख लीजिए, सभी का परसेंटेज आपको कम देखने को मिलेगा, और जो भारत है वो अन्य कार्यों के लिए सिर्फ 17% ही यूज करता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी मिसमैच है, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है जो भारत है, भारत कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर जो ना केवल 57% भूमि का उपयोग करता है कृषि के लिए, बल्कि हमारी जो जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन है, उसका भी अधिकांश हिस्सा, आधे से भी अधिक जो हिस्सा है वो कृषि कार्यों पर ही अभी तक निर्भर है, ओके। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर चीन को, चीन है वो सिर्फ कृषि कार्यों के लिए सिर्फ 10% भूमि का उपयोग करता है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 42% करता है। इसी तरह आप कनाडा को भी देख सकते हैं, कनाडा देखिए चीन के जस्ट ऊपर दिया रखा है, कनाडा है वो फसल के लिए जो कुल भूमि का उपयोग करता है वो 5%, लेकिन अन्य कार्यों के लिए आप देख सकते हैं 52%, ओके। इसी तरह आप वन का भी देख सकते हैं, भारत का 22% है, और अन्य का देख सकते हैं कि किसी का कम देखने को मिलेगा, किसी को ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया गया है कि सारी चीज़ों के बारे में कि जो संपत्ति होती है वो किस तरह की होती है, तो आप यहाँ पर एक अप्रोच समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई, जो भूमि है उससे स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा है इस बुक में, नंबर एक निजी भूमि, दूसरी सामुदायिक भूमि। अब बहुत सी चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं, अपने आप कॉमन सेंस से भी उसका आंसर दे सकते हैं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत इतनी नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप पढ़िए तो अलर्ट रहिए, जिससे आपको कम से कम पढ़ के आप ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे। लेकिन इसमें दो भागों में बांटा है, मैं आपको तीन भागों में बांट करके दिखाता हूँ भूमि को। अगर कोई भूमि है तो उस पर किसका अधिकार हो सकता है, नंबर एक उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, ओके। जैसे कि जो आपके घर हो गए या फिर आपका जो भी एग्रीकल्चर लैंड हो गया, तो वो किस पर, उस पर किसका अधिकार होता है, उस पर आप लोगों का अधिकार होता है, ओके। इसी तरह कोई भूमि है उस पर किसका अधिकार हो सकता है, किसी समुदाय विशेष का अधिकार हो सकता है। जैसे अगर आप महानगरों में रहते होंगे तो आप किसी अपार्टमेंट में रहते होंगे, तो उस अपार्टमेंट में जो भी फ्लैट में रहते होंगे तो पूरी बिल्डिंग के लिए एक जिम बना दी जाती है, एक स्विमिंग पूल बना दिया जाता है, एक गार्डन बना दिया जाता है, तो उस गार्डन उस स्विमिंग पूल का कौन यूज़ कर सकते हैं, वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो उस बिल्डिंग में रहते हैं। इसी तरह अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक ऐसी जगह होती है जहां चारागाह होता है, तो पूरे गांव के जो अपने लोग होते हैं वो अपने पशु को ले जाकर के उस चारागाह में अपने पशुओं को चरा सकते हैं। ऐसे गाँव में ऐसे तालाब होते हैं तो उस गाँव विशेष के लिए ही वो तालाब होते हैं, उनका यूज़ और कोई नहीं कर सकता, केवल गाँव के ही लोग करते हैं, ओके। तो उन पर अधिकार किसका होता है, किसी समुदाय विशेष का होता है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं किसी भूमि पर अधिकार किसका हो सकता है, राज्य का हो सकता है, राज्य मतलब गवर्नमेंट का हो सकता है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे जो राज्य कौन सी भूमि होती है जिस पर राज्य का अधिकार होता है, तो जैसे कि जो वन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, डैम हो गया, सड़क हो गई, इन सभी पर अधिकार राज्य का होता है। इसी के साथ जो खान होती है या फिर कोई भी संसाधन हो गया, ओके, उन सभी संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे आपकी निजी भूमि है, इस निजी की भूमि के अंदर सोना निकल आता है, सपोज डेट, ओके, मतलब सोने की खाने निकल आती हैं या फिर किसी भी खान निकल आती है, जैसे कि कोयला की खाली या पेट्रोलियम या कुछ भी निकल आता है आपकी निजी भूमि पर, आपका एग्रीकल्चर लैंड है उसके नीचे, तो आप सोचेंगे अरे मैं तो इसको बेचकर अब काफ़ी रिच हो जाऊंगा, मैं तो मज़ा आ गया मेरे खेत के नीचे इस चीज़ की खान निकल आई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो भी अगर आपके कोई भी लैंड हो, आपकी भूमि हो, उसके नीचे अगर कोई भी खान निकलती है तो उस पर अधिकार राज्य का होता है, ना कि किसी व्यक्ति का, ओके। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये भूमि आपकी ही है, इसके नीचे निकला है, लेकिन इस पर अधिकार किसका होगा, राज्य का होगा, ओके। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं जो निजी भूमि है वो भी राज्य की है, एक तरह से हमने उस पर लीज पर लिया रखा है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, कोई जो गवर्नमेंट है वो हमारी भूमि ऐसे ही नहीं छीन सकती है, उसे अगर वो हमारी भूमि लेती है तो उसके बदले में उसे कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है, ओके। वो पैसे या फिर कुछ भी दे सकती है, आपको पैसे दे सकती है, या उतनी ज़मीन के बदले आपको और कहीं आपको ज़मीन प्रोवाइड करा सकती है, ओके। तो इसमें यही बताया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए भूमि प्रतिरूप के बारे में बताया कि स्टार्टिंग में देखिए हम लोग ज़्यादा खेत होते हैं ज़्यादा, और बहुत ही दूर दूर लोग रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो भूमि होती है उसका रूप बदलता जाता है, प्रतिरूप बदलता जाता है, हम जो गांव होता है वो कस्बा में बदलता है, कस्बा शहर में बदलता है, और शहर महानगर में बदल जाता है। जब वो महानगर में बदलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदूषण का स्तर थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है इस इमेज में, और देखिए आपको यहाँ पर बिल्डिंग्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी,
यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कंक्रीट का जंगल है। कंक्रीट का जंगल आपने वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है कि जहाँ पर जो सीमेंट और जो ईंटे पत्थर होती है ज़्यादा यूज किया जाता है तो उसे कंक्रीट का जंगल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको पेड़ पौधे बहुत ही कम दिखेंगे, केवल आपको कंक्रीट की जो जो बिल्डिंगें हैं रोड हैं वही आपको दिखाई देंगे। ओके, तो समय के साथ जो भूमि का उपयोग है वो बदलता जाता है। अब नीचे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, भूमि संसाधन। ओके, अब यहाँ से आपका एक टॉपिक बहुत ही अच्छा कवर हो जाएगा। कोई भी संसाधन हो उसका संरक्षण करना हो उसका अप्रोच सेम होता है। अगर आपने ये अप्रोच समझ लिया तो आपका एक ऐसे का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, साथ में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी आपका आज क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें भूमि संसाधन का संरक्षण है। अब एक भूस्खलन मान लो एक समस्या है, एक आपदा है, इस आपदा को आपको अगर ठीक करना है तो आप इस आपदा को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले कोई भी आपदा होती है तो आपको पहले उसका एक मैप बनाना होता है कि मतलब ये आपदा की समस्या कहाँ कहाँ पर है, किस किस जगह पर हो है। तो आपको पहले एक मैप बनाना पड़ेगा, वो लोकेशन लोकेट करनी पड़ेगी कि किस किस जगह पर ये भूस्खलन की समस्या है। अब जब आपके पास मैप आ जाएगा फिर उसके बाद आपको जो कारण होंगे, जो भूस्खलन के कौन कौन से कारण हैं उन कारणों को आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप जो सर्वेक्षण का यूज कर सकते हैं, किसी चीज़ का यूज कर सकते हैं, इसी तरह जो मैपिंग के लिए आप सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं या फिर स्थानीय लोगों से भी आप पूछताछ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके अलावा आपके पास अब मैप आ गया, मतलब आपको लोकेशन पता चल गई कि भूस्खलन कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब आपको कारण भी पता चल गए कि कौन कौन से कारण हैं जो भूस्खलन यहाँ पर उत्तरदायी हैं। ओके, इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास ये दो चीज़ें आ गई, अब फिर आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। ओके, क्या बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी कि इस समस्या को हम कैसे सुलझाएं। ओके, तो भूस्खलन की समस्या को कम करने के लिए जैसे आप बता सकते हैं कि जैसे कि हमें वृक्षारोपण करना होगा, और यहाँ पर जो अवैध रूप से यहाँ पर लोग कब्जा किए हुए हैं वो नहीं हो, यहाँ पर सुनियोजित तरीके से यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वो बसाई जाएँ, तो ऐसी रिकमेंडेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखिए आपके पास तीन चीज़ें आ गई कि आपको पता चल गया कि लोकेशन कहाँ पर है, कारण भी पता चल गए। अब इन कारणों को आप अपनी रणनीति में लिख सकते हैं और आपके पास रणनीति आ गई। लेकिन रणनीति आने के बाद भी आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्रियान्वयन, यानी कि रणनीति है अब इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। ओके, अब इसका क्या आपको करना पड़ेगा, क्रियान्वयन। अब देखिए यहाँ पर बात आती है क्रियान्वयन, तो क्रियान्वयन के लिए आपको किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ना केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा आपको स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब केवल गवर्नमेंट ही किसी समस्या का सलूशन नहीं कर सकती है, इसके अलावा आपको जन भागीदारी की भी ज़रूरत होगी, यानी कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, वरना कोई भी जो रणनीति होगी आपकी, कोई भी योजना होगी वो विफल हो जाएगी। तो यानी कि जो पब्लिक पार्टनरशिप है इस मॉडल पर आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी संस्थाएं होंगी जैसे कि भू भौतिकी से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं जो आपको नॉलेज दे सकें, जैसे कि अगर भूकंप आ रहा है तो आपको अलर्ट कर सकें, तो ऐसी संस्थाओं को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। अब देखिए इन सभी को शामिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अब जागरूक क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा आपको इस तरह से घर नहीं बनाने हैं, आपको इस जगह पे घर नहीं बनाने हैं, आपको अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर में बनाने हैं, आपको वृक्षारोपण ज़्यादा करना है। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा अगर आप अपनी योजना को सफल करना चाहते हैं। तो कोई भी देखिए कोई भी समस्या है तो आप क्या यही रोड मैप आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आप उसकी मैपिंग करिए, मैपिंग के बाद उसके कारणों को खोजिए कि किस कारण से ये समस्या है वो उत्पन्न हो रही है, उसके बाद आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। रणनीति आप देख सकते हैं जो कारण है इन्हीं के आधार पर आपको रणनीति बनानी है। अब इसके अलावा आपके पास रणनीति आ गई, फिर इसके लिए क्रियान्वयन के लिए आपको ज़रूरत होगी। अब आपको इसमें लिखना है कि क्रियान्वयन है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर तक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है केंद्र सरकार के साथ में राज्य सरकारें और लोकल गवर्नमेंट को भी जोड़ना चाहिए, और इसके अलावा हमें जो जन भागीदारी है उसे भी सुनिश्चित करना चाहिए जिससे हम इस योजना को प्रभावी रूप से सफल बना सकें। ओके, और इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट होते हैं इसे आप कंक्लूजन में दे सकते हैं। ओके, जिससे आपका जो आंसर होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर नीचे बताया गया है न्यूनीकरण के बारे में। ओके, अब देखिए यहाँ पर न्यूनीकरण के बारे में बताया गया है, न्यूनीकरण और एक निम्नीकरण,
दो वर्ड होते हैं, लोग इसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब मैं आपको दोनों का मतलब बता देता हूँ। जैसे न्यूनीकरण है, इसका मतलब है हम किसी भी जो समस्या है, कोई भी आपदा है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसका मतलब होता है न्यूनीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिटिगेशन। इंग्लिश वोकैब होती है, वो भी आप ध्यान रखिए, जिससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ओके, मिटिगेशन। ओके, और दूसरा होता है निम्नीकरण। निम्नीकरण इसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्रेडेशन, और दूसरा होता है डिग्रेडेशन। अब देखिए, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। मिटिगेशन होता है, मिटिगेशन का मतलब है हम किसी भी जो आपदा है उसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। ओके, और निम्नीकरण का मतलब है कि ह्रास होना। ओके, इसका मतलब है ह्रास यानी कि क्षति। तो आप इन दोनों को ध्यान रखिए, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि हम किसी भी समस्या को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें भूस्खलन के बारे में बताया है कि जहाँ पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, तो उसका हमें मानचित्र बनाना होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हमें सबसे पहले लोकेशन लोकेट करनी पड़ेगी, एक मैप बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उन क्षेत्रों को जहाँ पर भूस्खलन की समस्या है। ओके, तो आपको किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, उसमें सेम अप्रोच मिलेगा, उससे कम मिलेगा लेकिन उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उस अप्रोच से अगर आप देंगे तो आप 2 से 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, जितना आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। ओके, अब दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार बनानी पड़ेगी। एंटी बॉल्स होती हैं, जैसे कि अगर जहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होता है वहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारें कंक्रीट के बना दी जाती हैं, जिससे भूस्खलन नहीं होता है। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमें वनस्पतियों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाना होगा, जिससे वनस्पति होती है उसकी जड़ें होती हैं वो भूमि को जकड़े रखती हैं। ओके, इसके अलावा इसमें बताया गया जो सतही अपवाह जल होता है उसके लिए हमें एक अलग से व्यवस्था करनी होगी, जिससे जो ज़मीन होगी वो ज़्यादा गीली नहीं होगी, दलदली नहीं होगी। अगर दलदली नहीं होगी तो वो भूस्खलन की समस्या वहाँ पर कम होगी। ओके, आप देखिए इसमें नेक्स्ट बताया गया है मृदा के बारे में। अगर हम मृदा की बात करें तो मृदा का निर्माण होता है वो लाखों करोड़ों वर्ष में होता है। यहाँ पर बताया गया जैसे कि 1 सेंटीमीटर जो मृदा होती है उसे बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ओके, तो यानी कि मृदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मृदा का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा नहीं बताया गया, थोड़ा ही बताया गया है, तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये देख लिया, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हम बुक पढ़ेंगे NCERT की, उसमें और भी एडवांस दिया रखा होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक लेयर है। ओके, इसे कहते हैं जनक चट्टान, क्योंकि इसी के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है, इसीलिए इसे जनक चट्टान के नाम से जाना जाता है। अब इसके ऊपर आप जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। ओके, जब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे। ओके, छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे, इससे छोटे होंगे, तो इससे क्या कहेंगे दोस्तों, यही चट्टान होती है, ये टूट फूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इसी के लिए अपक्षित चट्टान के नाम से जाना जाता है। अब ये दोस्तों और छोटे छोटे कणों में जब टूट जाती है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको और छोटे छोटे कण मिलेंगे, जैसे कि आपको बालू यहाँ पर देखने को मिलेगी, गाद देखने को मिलेगी, किले, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसे उपमृदा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर यहाँ पर उपमृदा भी देखने को मिलेगी इन सारी चीज़ों के साथ में। ओके, अब इसके बाद एक और लेयर आती है जो थिक लेयर होती है, काफ़ी थिक लेयर होती है दोस्तों। यहाँ पर आपको ह्यूमस देखने को मिलेगी। ह्यूमस क्या होता है, जब वनस्पतियाँ होती हैं दोस्तों वो सड़ गल जाती हैं तो वो ह्यूमस में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको वनस्पतियाँ देखने को मिलेगी, साथ में आपको मृदा देखने को मिलेगी, यानी कि जो सबसे पतली परत है, मैं यहाँ पर आपको रेड कलर से जो दिखा रहा हूँ, देखिए जो यहाँ पर ये वाली लाइन है यही मृदा है। ओके, इसके नीचे फिर आपको उपमृदा देखने को मिलेगी, साथ में बालू और गाद और इससे छोटे छोटे कण देखने को मिलेंगे। इसके नीचे जाएंगे फिर यहाँ से थोड़े थोड़े बड़े आपको कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे, और नीचे जाएंगे तो आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे जिससे मृदा का निर्माण होता है समय के साथ। ओके, तो इसमें यही डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है इस डायग्राम में दोस्तों, बहुत कुछ बताया गया है। अगर हम मृदा की बात करें तो उसका निर्माण कैसे होता है और उसे क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है जो मृदा है उसे कौन प्रभावित करता है, जनक सेल, यानी कि अभी हम देखे थे सबसे नीचे क्या पाई जाती है, जनक सेल पाई जाती है। ये जनक सेल होती है मृदा के क्या क्या चीज़ निर्धारित करती है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये दोस्तों मृदा का रंग, संगठन, आप यहाँ पर देख सकते हैं मृदा का रंग, संगठन, रासायनिक गुणधर्म, साथ में जो खनिज होते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं, ये कौन निर्धारित करती है, जो जनक सेल होती है वो निर्धारित करती है। यानी कि मृदा का रंग कौन सा होगा ये कौन निर्धारित करेगा,
ये जनक सेल निर्धारित करेगी। मृदा का कैसा संगठन होगा, कैसा गठन होगा, वो भी कौन निर्धारित करेगा, वो जनक सेल निर्धारित करेगी। जो मृदा है उसका रासायनिक गुण कैसा है, ओके, वो भी कौन निर्धारित करेगा, वो भी जनक सेल निर्धारित करेगी। और साथ में आप देख सकते हैं कि जो खनिजों की मात्रा है वो भी कौन निर्धारित करता है, जनक सेल। और साथ में पारगम्यता है, ये भी कौन निर्धारित करता है, जनक सेल। तो आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें बताया गया कि जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय, ये सारी चीज़ें हैं, ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती हैं। यानी कि किसी मृदा में कितना ज़्यादा ह्यूमस पाया जाएगा, यहाँ पर की पॉइंट क्या है, ह्यूमस। इसमें बताया गया कोई भी ह्यूमस है, किसी भी मृदा में ह्यूमस है वो कितना पाया जाएगा, ये निर्भर करता है जलवायु, ओके, नंबर एक जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय, इन चार चीज़ों पर निर्भर करता है ह्यूमस की मात्रा। यानी कि किसी भी मृदा में ह्यूमस की कितनी मात्रा होगी वो इन चीज़ों पर निर्भर करती है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वनस्पति, प्राणीजात और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी कि किस तरह की वनस्पति, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जहाँ पर हमने देखिए लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने उसमें बताया था कि जहाँ पर कठोर वन होंगे, ओके, कठोर प्रकार की जहाँ पर लकड़ी पाई जाएगी, वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ह्यूमस का निर्माण कम होगा, क्योंकि कठोर लकड़ी होगी तो उसका जो गलने की प्रक्रिया होगी बहुत ही धीमी होगी, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर ह्यूमस कम होगा। प्राणी चाहते हैं वो भी, और इसी तरह सूक्ष्म जीव, अगर सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ होगा वो डिकम्पोज कैसे होगा, सूक्ष्म जीव होते हैं वही तो किसी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा देखिए समय, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि टाइम होता है वो क्या निर्धारित करता है मृदा का, वो मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई होती है, यानी कि समय, जितना समय ज़्यादा होगा उतनी जो मृदा की जो परिच्छेदिका होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसकी मोटाई ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि मृदा परिच्छेदिका को इंग्लिश में कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, ओके, सॉइल प्रोफाइल है वो कितनी मोटी होगी ये कौन निर्धारित करेगा, समय। अब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई बढ़ती जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चावत, तुंगता और ढाल, ओके, मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। अब ये कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ढाल तेज है, तो ढाल तेज होने के कारण अगर यहाँ पर मृदा का निर्माण भी हो रहा है इस ढाल पर, तो यहाँ पर उसका संचयन नहीं हो पाएगा, मतलब वो यहाँ पर नहीं ठहर पाएगी, वो यहाँ से खिसक के नीचे आ जाएगी और मैदानों में इसका निक्षेपण हो जाएगा, ओके। इसीलिए मैदान में आपको मृदा ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि मृदा की मोटाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और पर्वतीय क्षेत्र में आपको मृदा की मोटाई काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो ये देखिए पांच चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चन भी बहुत आपके क्लियर हो जाएंगे, ओके। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई इसलिए मैं इसको यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, इसका आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ओके। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।